जोजो किड्स। खरगोश और बंदर बहुत अच्छे दोस्त थे। वे हर रोज खूब खेलते और कभी कभी रेस भी लगाते थे। उन्हें देख कछुए का भी रेस लगाने का बहुत जी करता, लेकिन कोई भी कछुए के साथ खेलना पसंद नहीं करता था, क्योंकि वो बहुत धीरे धीरे चलता था। एक दिन खरगोश और बंदर रेस लगा रहे थे, तभी कछुए को उन्हें देख रेस लगाने का बहुत जी किया। तुम लोग मेरे साथ क्यों नहीं खेलते? मुझे भी तुम्हारे साथ खेलना है, मुझे भी अपने साथ खिलाओ प्लीज। खरगोश और बंदर कछुए की बात सुन जोर जोर हंसने लगे। तुम तो इतने धीरे धीरे चलते हो, कैसे रेस लगाओगे? हाँ बताओ। तो इसका यह मतलब हुआ ना कि मैं हार जाऊंगा और तुम जीत जाओगे, तो तुम क्यों डर रहे हो मुझसे? अच्छा ये बात है, ठीक है आओ मैं तुम्हारे साथ रेस लगाता हूँ। बंदर तुम बताना कि कौन जीता। ठीक है, दिन ढलने से पहले जो नदी का चक्कर लगाकर वापस आएगा वो जीत जाएगा, लेकिन हाँ सबसे पहले जो चक्कर लगा के आएगा वही जीतेगा। रेस शुरू हो गई। कछुआ धीरे धीरे नदी की तरफ बढ़ने लगा और खरगोश कुछ ही देर में नदी का आधा चक्कर लगा चुका था। उसने सोचा, मुझसे जीतना तो नामुमकिन है, वो बेचारा कछुआ तो बहुत पीछे होगा, चलो थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। खरगोश पेड़ के नीचे सो गया, पर कछुआ बेचारा चलता रहा चलता रहा, पूरी नदी का चक्कर लगा लिया और जीत गया। बंदर उसे देख हैरान रह गई। खरगोश अपने घमंड के कारण हार चुका था और कछुआ अपने आत्मविश्वास से जीत गया। एक जंगल में बहुत खतरनाक शेर रहता था, क्योंकि वो जंगल का राजा था और बहुत खतरनाक भी, इसीलिए सभी उससे बहुत डरते थे। वो जब चाहता किसी भी जंगल के जानवर को खा जाता, सिवाय चार दोस्त गायों को छोड़कर। चारों गायें बहुत ताकतवर थीं, क्योंकि वे हमेशा ही साथ साथ रहती थीं। कब तक बचेंगी ये मुझसे? एक ना एक दिन तो मैं इन्हें खा ही जाऊंगा। जब तक ये चारों साथ हैं, बस तभी तक सुरक्षित हैं। एक दिन चारों गाय आपस में झगड़ने लगी। पहली बोली, बस अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। दूसरी गाय बोली, तो तुम चली जाओ यहाँ से, मना किसने किया है? तीसरी ने कहा, तुम हमेशा अपने बारे में सोचती हो। तीनों की बातें सुन चौथी गाय को भी गुस्सा गया और वह बोली, ठीक है झगड़ो मत, आज से हम सब अलग अलग रहेंगे। इसी दिन का तो मुझे इंतजार था, अब इन्हें मेरा खाना बनने से कोई नहीं रोक सकता। इनकी एकता ही इनकी ताकत थी और इन बेवकूफों ने अपनी ही बलि चढ़ा दी। और इस मौके का शेर ने पूरा पूरा फायदा उठाया और एक एक करके चारों को अपना भोजन बना लिया। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि एकता में बहुत शक्ति होती है। हेलो बच्चों, आज मैं आपको सोने की अंडा देने वाली एक मुर्गी की कहानी सुनाऊंगी। एक गांव में एक आदमी था और वो अंडे का व्यापार करता था। उसके पास एक बहुत बड़ा मुर्गियों का फार्म भी था। उसमें बहुत सारे मुर्गियां थे। हर दिन वो आदमी पोल्ट्री फार्म में आकर सब मुर्गियों का देखभाल करता था और जो भी अंडे आते थे उसको मार्केट में बेचकर आता था। एक दिन वो सड़क पे जा रहा था और एक मुर्गी को देखा।
वह मुर्गी बहुत प्यासी और भूखी थी। उस मुर्गी को उठाकर घर लेके आ गया और उस मुर्गी को बहुत प्यार से पालने लगा। धीरे धीरे उस मुर्गी तंदुरुस्त बन गई और वो आदमी उस मुर्गी की बहुत ख्याल रखने लगा। हर दिन की तरह वो अपने फार्म पे आया और वो मुर्गी के दिए हुए अंडे को देखकर चौंक गया। वहाँ पर एक सोने का अंडा था। अरे ये क्या है, ये तो सोने का अंडा लग रहा है। हाँ ये सोने का ही अंडा है। मेरी तो किस्मत निकल पड़ी, अब मजा आएगा, मैं अमीर बन जाऊंगा। उस दिन के बाद हर रोज वो मुर्गी एक सोने का अंडा देती थी। उस अंडे को लेकर वो आदमी सब जरूरत की चीजें खरीदने लगा। कुछ ही दिन में वो गाड़ियाँ, एक बड़ा सा मकान और बहुत सारे गाय और बैल भी खरीद लिया। एक महीने के बाद उसको घर में खरीदने के लिए कुछ भी नहीं बचा। इतने में उसके मन में लालच की वजह से एक बुरी ख्याल आया। वो उस गांव में और सारे दुनिया में सबसे अमीर आदमी बनने की सोच में पड़ गया। अगले दिन वह फार्म में जाकर देखा तो एक ही सोने का अंडा दिखाई दिया। तब तक उसका मन लालच से भर गया था। ये रोज रोज एक अंडे को लेकर सबसे अमीर आदमी नहीं बन सकता, क्यों ना आज मैं इस मुर्गी को काट कर सब अंडे एक ही बार निकाल देता हूँ और इस दुनिया में बहुत बड़ा अमीर आदमी बन जाऊँ। और वो आदमी लालची से उस मुर्गी की पेट काट डाला। काट के देखा तो उसमें कोई भी अंडा नहीं था। हे भगवान, ये क्या हो गया, इस मुर्गी के पेट में एक भी अंडा नहीं है। अब मैं क्या करूं, मेरी लालची की वजह से बहुत बड़ा नुकसान हो गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि लालच की वजह से हमेशा नुकसान ही होता है। इस शोर ने नन्हे खरगोश को बुरी तरह से डरा दिया था। ओ, ओ, ये कैसी डरावनी आवाज आ रही है, मुझे कहीं खुद को छुपा लेना चाहिए। ओ, हे भगवान, मुझे बचा लो। खरगोश अपने बिल में जाकर छुप गया, जो एक आम के पेड़ के नीचे था। अचानक उसने एक बहुत डरावनी आवाज सुनी। डरा हुआ खरगोश अपने बिल से उछलकर बाहर आ गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, आसमान गिर रहा है। और खरगोश डर के मारे भागने लगा। रास्ते में उसे भेड़िया मिला। भेड़िये ने खरगोश से पूछा, क्या हुआ, तुम इतनी तेजी से क्यों भाग रहे हो भाई, क्या हुआ मुझे बताओ। क्या तुमने डरावनी आवाज नहीं सुनी, अरे भागो, क्या तुम्हें नहीं पता आसमान गिर रहा है, भागो भागो। यह कहकर खरगोश फिर से भागने लगा। यह सुनकर भेड़िया भी खरगोश के साथ भागने लगा। इन्हें देखकर बाकी जानवर जैसे हाथी, जिराफ, घोड़ा और बंदर सभी इनके साथ भागने लगे। सभी जानवरों की आवाज सुनकर शेर गुफा से बाहर आता है और दहाड़ते हुए गुस्से में पूछता है, तुम सब क्यों भाग रहे हो, क्या हुआ। खरगोश ने जवाब दिया, आसमान गिर रहा है। शेर यह सुनकर हैरान हो गया, तुमसे किसने कहा कि आसमान गिर रहा है। खरगोश ने शेर को सब बताया, लेकिन शेर को खरगोश की बात पर यकीन नहीं हुआ। शेर ने खरगोश को उस जगह पर लेकर जाने को कहा जहां आसमान गिर रहा था। खरगोश, शेर और सभी जानवरों को साथ लेकर आम के पेड़ के पास पहुंचा। लेकिन सबने वहां क्या देखा, ये क्या, वहां तो एक बड़ा आम गिरा पड़ा था। ये देख शेर जोर से हंसने लगा, हो हो हो। सभी जानवर अब समझ चुके थे कि वो खरगोश की बातों में आ गए थे। हमें बिना सोचे समझे किसी भी फैसले पर नहीं आना चाहिए। भेड़िया और तीन बकरियां। एक समय की बात है, तीन बकरियां हनी, बनी और सनी एक साथ
एक छोटे से घर में रहते थे। एक दिन एक दुष्ट चालाक भेड़िया उनके घर के पास आकर रहने लगा। भेड़िये को देखकर बकरियां डर गईं। सबसे बड़ी बकरी ने कहा, यह भेड़िया हम पर कभी भी हमला कर सकता है, हमें हमेशा सावधान रहना पड़ेगा। यह घर हमें सुरक्षित नहीं कर सकता, हमें एक नया घर भी बनाना पड़ेगा। तीनों बकरियां इस बात पर सहमत हो गईं। उनका नया घर बहुत ही मजबूत और सुंदर था। एक दिन भेड़िये ने मौका पाकर तीनों को खाने के इरादे से उनके घर का दरवाजा जोर जोर से खटकाया, लेकिन उन बकरियों ने दरवाजा नहीं खोला। भेड़िये को बहुत गुस्सा आया। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो मैं इसे तोड़ कर आ जाऊंगा, फूंक मार कर तुम्हारे घर को उड़ा दूंगा, दरवाजा खोलो। भेड़िये की आवाज सुन बकरियां डर गईं, लेकिन उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। भेड़िये को बहुत गुस्सा आ गया। वह बकरियों की घर की छत पर चढ़ गया और चिमनी से उनके घर में जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन बकरियां बहुत समझदार थी। उन्होंने चिमनी में लकड़ी डाली और उसमें आग लगा दी। जैसे ही भेड़िया चिमनी में उतरा, वह जलने लगा और घर से बाहर भाग गया। बकरियां भेड़िये को बेवकूफ बनाने में सफल रहीं। हम अपनी समझदारी से बड़े दुश्मन को भी डरा सकते हैं। ये बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में बहुत सारे जानवर मिलजुल कर खुशी खुशी रहते थे। एक दिन उस जंगल में एक ताकतवर शेर आया। वह अपनी मर्जी से जब चाहता किसी भी जानवर को पकड़कर मार डालता और खा जाता। धीरे धीरे जानवर जंगल में कम होने लगे। इस बात से परेशान होकर सभी जानवरों ने एक निर्णय लिया और शेर से मिलने पहुंच गए। वहां पहुंचकर सभी जानवरों ने अपनी बात शेर के सामने रखी। हाथी बोला, जंगल के हम सभी जानवरों ने एक निर्णय लिया है। कैसा निर्णय? हम में से हर रोज एक जानवर आपका भोजन बनकर आएगा, आपको शिकार ढूंढना नहीं पड़ेगा। अरे, मैं तुम्हारी बात कैसे मानूं? कैसे विश्वास करूं? ऐसा ही चलता रहा तो थोड़े ही दिनों में हम सब मर जाएंगे। जंगल में कोई जानवर नहीं बचेगा, फिर आपको खाना नहीं मिलेगा। आप तो राजा हैं, हमें सेवा का मौका दे दीजिए। ठीक है, लेकिन समय से हर रोज भोजन भेजना ही होगा, वरना। अब हर रोज एक जानवर भोजन बनकर जाने लगा। एक दिन चालाक खरगोश की बारी आई। खरगोश नियमित समय पर नहीं गया। उसके दिमाग में एक उपाय चल रहा था, जिसके चलते वह देरी से गया। जब वह वहां पहुंचा, शेर बहुत गुस्से में था। इतनी देर कैसे हो गई? तुम तो बहुत छोटे हो, तुम्हें खाने से तो मेरी भूख भी नहीं मिटेगी। मेरे साथ एक और जानवर भी आया था राजा जी, लेकिन उसे रास्ते में एक और शेर ने खा लिया। इस जंगल में मुझसे बलवान शेर, मुझे दिखाओ किसने मेरे भोजन पर अपना अधिकार किया। महाराज, मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ, चलिए। खरगोश शेर को जंगल में कुएं के पास ले गया। महाराज, वो शेर इसी कुएं के अंदर छिपा है। शेर ने उस कुएं में झांका, वहाँ उसे अपना ही प्रतिबिंब दिखा। शेर दूसरे शेर को मारने के लिए कुएं में कूद गया। कुएं से बाहर ना निकल पाने के कारण बेचारा शेर वहीं मर गया। अब सभी जानवर खरगोश की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। खरगोश की चतुराई से सभी जानवरों की जान बच गई थी और वे सभी जानवर जंगल में खुशी खुशी रहने लगे। प्लीज सब्सक्राइब।